नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आपराधिक कार्य संपत्तियों पर प्रशासन का डंडा चला है। इसका मतलब जिले में अब बेखौफ नहीं घूम सकेंगे। आपको बता दें, आपराधिक तौर पर कार्य किए गए संपत्तियों और मकानों को इस समय कुर्क किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ जहां प्रदेश सरकार बाहुबलियों के अवैध रूप से प्राप्त किए गए संपत्तियों को जब्त कर रही है और उनके घर को उठा रहे हैं, वहीं इसका प्रभाव कई अन्य जनपदों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अपराधियों द्वारा अपराध करके किए गए संपत्ति को जिला प्रशासन के द्वारा कुर्क भी किया जा रहा है। बलरामपुर जनपद के जिला प्रशासन के द्वारा इस समय सख्त रुख अख्तियार किया जा रहा है और बलरामपुर के डीएम कृष्ण कडुरेश के आदेशानुसार आपराधिक तौर पर क्रय किए गए मकानों को इस समय कुर्क किया जा रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर के उतरौला तहसील के बढ़या पकड़ी गांव में अभियुक्त अहमद सई उर्फ मोहम्मद सई के द्वारा आपराधिक रूप से क्रय किए गए 1200 वर्ग फीट का मकान कुर्क किया और इसी क्रम में बलरामपुर के महादेव मिश्र गांव में भी आपराधिक रूप से क्रय किए गए मकानों को कुर्क किया गया। जिलाधिकारी कृष्ण कडुरेश के आदेश पर प्रशासक के रूप में उप जिलाधिकारी नागेंद्र यादव व सीओ उतरौला राधा रमन सिंह के मौजूदगी में सभी आपराधिक तौर पर हासिल किए गए मकानों और संपत्तियों की कुर्की की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।